अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सूरत का बहुत बेहतरीन दिन रहा आज। और जैसा मैंने सोचा था, तला भाई, नूरानी गोट फार्म, हाफिज जी गोट फार्म और आपके यहाँ पर तीन जगह वीडियो बन गए। अब आगे का सफ़र हमारा रहेगा कार में। ये हमारी कार है, ये हम लोग हैं और ये हमारी पार्टी हो रही है। देखो क्या पार्टी हो रही है, क्या मेहनत देखने मिल रही है माशाल्लाह। अभी आगे का सफ़र है, इसके लिए बिल्कुल सफर बहुत लंबा है। मैंने कल भी बताया नहीं था वीडियो के स्टार्ट में कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग, आज भी नहीं बताएंगे, थोड़ा बाद में ही बताएंगे। तो मुस्तकीम भाई हमारे साथ में, अस्सलामुअलैकुम मुस्तकीम भाई। मुस्तकीम भाई, न्यू टेक्निक देखने मिल रही है कि कांच बिल्कुल साफ हो जाता है इससे। अच्छा हो जाता है, मतलब चूना लगा के। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पान में चूना लगाओ, गाड़ी के कांच पे लगाओ, पर इंसान को चूना मत लगाओ। सही है, हमारे बकरे वाले जितने भाई हैं, प्लीज किसी को चूना मत लगाओ। हमारे यहाँ एक चाचा है, वो अक्सर कॉमेडी करते हैं कि दुनिया में सबसे सच्चा इंसान को नवाज़े पान वाला, क्योंकि वो बोल के चूना लगाता है। ले बाबा। तो ये हमारी कार है, ये हम हैं और ये हमारी पार्टी हो रही है। तो अभी हम लोग कहाँ से निकल रहे हैं, पलसाना में हम लोग सूरत में अभी, और यहाँ से हम लोग एक्चुअली अभी मुंबई की तरफ जाएंगे, पर हमारी जो डेस्टिनेशन है कुछ और है, वो मैं आपको थोड़ी देर में अभी बताऊंगा। ठीक है, बहुत मज़ा आएगी। एक नया जंगल आज एक्सप्लोर करेंगे हम लोग मुस्तकीम भाई, एक ऐसा जंगल जो इंडिया में है भी पर ब्रीड इंडिया की नहीं भी है। तो लोग समझ सकते हो कौन सी ब्रीड है जो एक्सप्लोर करने जा रहे हम लोग आज। चलिए, हमारी हुंडई क्रेटा बिल्कुल रेडी है अपने आगे के सफ़र के लिए इंशाल्लाह। आप लोग भी दुआ कीजिए हमारे सफ़र के लिए। तो आइए सफ़र की शुरुआत करते हैं, दुआ पढ़ लेते हैं। सुबहान अल्लज़ी सकल लना हाज़ा व मा कुन लहू मुक़रिमीन। कस्टमर को पतिरा सुजन दीजिए। तो हम लोग अभी खाने के लिए रुके हैं। एक्चुअली मेरे को पहले वीडियो बनाना चाहिए था, मैं पहले खाने में टूट पड़ा। कहाँ पर है हम लोग अभी? चिकली। और हमने क्या खाया? मामरे। सीख को जो मामरे बोलते हैं, सीख भी बोलते हैं। हाँ, इसका नाम है जहीर चिकन पे हम लोग। अच्छा, स्वाद अच्छा था माशाल्लाह, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम लेट हो गए थोड़ा सा। कम चीज़ें मिली हमको, चावल भी हमको हाफ ही मिला, लेकिन चावल की रोटी मिलती है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा इस जगह को, जहीर चिकन, इट्स ऑन द हाईवे। ठीक है, जैसे आप नवसारी क्रॉस करोगे, सूरत नवसारी, राइट हैंड साइड पे है, अहमदाबाद जाने वाले रोड पे, बम्बई से जहीर चिकन। हाँ, जो मेन हाईवे का ब्रिज आएगा उसके नीचे से यू टर्न लेके आ सकता है। ठीक है, और भी बाजू में ढाबे हैं, वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं आप। तो अभी हो गया खाना, फटाफट हाथ मुँह धो के हम लोग आगे का सफ़र लेते हैं अभी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टॉप अगर देखेंगे वापी में चाय वगैरह पियेंगे, फिर लोगों से रابطہ करेंगे। माउंटेन में चाय पिएगा, माउंटेन में, वापी में माउंटेन। अच्छा, बीच में रुकेंगे नहीं अभी? वाह, चलिए आइए दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। Honorable Speaker, sir, Rahul. Honorable Speaker, sir, my esteemed colleagues in this newly constituted 18th Lok Sabha, I stand here on behalf of my party, the All India Trinamool Congress. कोई बात नहीं, वो मेरे LOP है, वो मेरे LOP है, वो already मुझे सुन चुके हैं, वो मेरे LOP है। तो अभी हमने एक स्टॉप लिए फाउंटेन रेस्टोरेंट पे। ये रेस्टोरेंट काफ़ी साल पुराना है, इसकी क्या हिस्ट्री है कुछ मालूम है आपको? तो ये जो पूरा एरिया है ना, पालनपुर, काकुशी, छापी, सिद्धपुर, मतलब यहाँ से होटल लाइन के बहुत लोग हैं, मौलीपुर, और पूरे अहमदाबाद में भी मतलब आपके गाँव से लोग हैं। तो आप लोग खाने के बिजनेस में ज़्यादा है माशाल्लाह, है ना, सबका अच्छे से पेट भरे ये कोशिश रहती है आप लोग की, चलेगा। तो ये फाउंटेन है
और ये बिल्कुल जैसे कि गोड़बंदा रोड जा रहा है जी, और ये वसई ब्रिज है, है ना, ये एकदम एक सेंटर पॉइंट अट्रैक्शन है। इसकी चाय अच्छी रहती है, इसका सब कुछ अच्छा है। मैंने सुना हूँ कि लोग अहमदाबाद से अहमदाबाद से लोग बटर चिकन खाने ही आते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, सच्चाई है इसमें। सही है। तो दोस्तों हम लोग एक्चुअली अभी आए सूरत से, हम लोग पूना जा रहे थे, पर अभी रात के 2:30 बजे हैं, तो हमने सोचा कि घर पे रेस्ट कर लें और सुबह सुबह इंशाल्लाह फजर बाद 7-7:30 बजे तक निकल जाएंगे। तो आगे का व्लॉग देखिए आप ज़रूर। चलिए आगे चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों कल रात में क्योंकि बहुत लेट हो गया था, एक्चुअली सुबह हो गई थी बोलूँगा मैं, इसलिए वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाए हम लोग। अभी हम लोग घर से तैयार होकर निकल चुके हैं आगे के सफ़र के लिए। पूना का सफ़र होगा ये इंशाल्लाह, और अटल सेतु ब्रिज से जाएंगे इंशाल्लाह। तो आगे का अपडेट आपको देंगे बहुत जल्दी हम लोग इंशाल्लाह। सो अभी हम लोग रास्ते में ये वडाला ब्रिज की तरफ जा रहे हैं, और सामने अभी आपको मैं दिखा दूँ एंटोफिल जो एरिया है, वडाला एंटोफिल का कब्रिस्तान है। अस्सलामुअलैकुम या अलल कबूर। और ये कब्रिस्तान की मस्जिद देखें आप मुस्तकीम भाई, बहुत आलीशान है माशाल्लाह। कब्रिस्तान है, इसके बिल्कुल सामने चर्च है, ठीक है, और बहुत एक आराम से देखो ये दिख रहा है आपको क्या लिखा है, भाई गुलिस्तान। ये जापान वाले ना, देखो जापान का कब्रिस्तान है। इंडिया में जो जापान की कम्युनिटी रहती होगी थोड़ी बहुत 10-15 लोग, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने कब्रिस्तान बनाया। और ये जो आप दीवार के पीछे पूरा जंगल टाइप देख रहे हैं, ये इंडियन ऑयल है, इंडियन ऑयल। पहले यहाँ पर बाकायदा ऑयल स्टोर होता था, बैलगाड़ी से लाया जाता था, अब ये बंद हो गया है। अब देखो यहाँ क्या बनता है। और ये जो गेट दिख रहा है आपको, ये ऊपर जाने का रास्ता है दरगाह ऊपर, भटकुली शाह, ये बरकत अली शाह बाबा। मोनो ट्रेन जा रही है, ये इंडिया की सबसे पहली मोनो ट्रेन है और अभी तक की आखिरी भी है, इसके बाद चालू ही नहीं किए क्योंकि ये लॉस में चल रही है। तो अभी चालू नहीं है, बस यही एक चालू है पूरे इंडिया के अंदर। लेफ्ट जाना है हमको, राइट जाएंगे हम लोग तो वडाला ब्रिज और वडाला स्टेशन आएगा, लेफ्ट मार के हम लोग फ्रीवे पकड़ लेंगे इंशाल्लाह अभी। सो दोस्तों अभी हम लोग फ्रीवे की तरफ आ गए हैं, और हम जा रहे हैं अभी अटल सेतु की तरफ, विच इज़ टुवर्ड्स मुंबई साइड। अगर उल्टे साइड से जाते तो 4 मिनट में देवनार पहुँच जाते हैं मुस्तकीम भाई। ऐसा लगता है गवर्नमेंट ने जो ब्रिज बनाया है ये हमारे और देवनार की मोहब्बत के लिए बना है। और ये पूरा लैंड आप देख रहे हो, ये पूरा सॉल्ट का लैंड है, यहाँ आज भी सॉल्ट की फार्मिंग होती है। और ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत फेमस पंछी है जिसको फ्लेमिंगो बोलते हैं, लाल कलर का आता है वो काफ़ी किलोमीटर उड़ के माइग्रेट होके यहाँ पर आता है, और हर साल आते थे वो, पर फिर क्या हुआ कि उन्होंने इसको ही अपना घर बना लिया। वो ब्रिज देख रहे हैं आप जी, वो अटल सेतु ब्रिज है, उसके ऊपर से जाना है हमको अभी। और ये मुंबई की स्काईलाइन देख लो आप, ये मुंबई आपके लिए, आमची मुंबई, आमची मुंबई, तुमची मुंबई, कोनाची मुंबई। तला भाई कैसा लग रहा है मुंबई में, कि सूरज ज्यादा अच्छा लगता है आपको? वो सब सब की जगह बराबर। ओ बातें, बड़ी बड़ी बातें। चले मुंबई 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 ये बोल रहे हैं मुस्तकीम भाई, और ये मुंबई ने दिया धोखा मुस्तकीम भाई को। मैंने एक बात नोटिस किया हूँ, मुंबई की जब भी तारीफ करो तो ये हाँ देखो ना आपके सामने बात, तो कोई गाड़ी वगैरह बंद हुई होगी, देखते आगे चल के। दोस्तों अटल सेतु
पे हमारा सफर जारी है। कैसा लग रहा है आप लोगों को मुस्तकिम भाई? विकास हुआ है महाराष्ट्र में, सरकार ने विकास किया है महाराष्ट्र में। बहुत अच्छा ब्रिज है, कितनी ट्रैफिक रहती है अगर सिटी से जाते तो। इसके लिए हमको थैंक्स बोलना चाहिए श्रीमान नितिन गडकरी साहब का। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ज्यादा कुछ नहीं किया है, ये जो हमारी नितिन गडकरी साहब है जो कि ट्रांसपोर्ट और रोड मिनिस्टर है, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। बहुत अच्छे इंसान भी है वो, अच्छे इंसान भी है। और उन्होंने जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना रहे भी, जो काम भी चालू है वो भी माशाल्लाह अच्छा बनाया है। वो बनाने से बकरों को आने में भी आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह की जात से उम्मीद है एक साल और जाएगा, क्योंकि अभी भरूच के आगे ही काम चालू है। अभी नर्मदा है ना जो अपना जी, वहाँ पे काम चालू है और महाराष्ट्र में भी बिल्कुल काम चालू है। इंशाल्लाह उम्मीद है एक आध साल में हो जाएगा। सही है, तो वहाँ पे वाला जो लफड़ा है ना। हाँ, मैं मेवात गया था फिरोजपुर जिरखा जो मंडी भी लगती है, वहाँ पर इसका एक चढ़ने का है समझे, वो वहाँ से फिर जयपुर आके वो सीधा बॉम्बे की तरफ। बोले बकरे एकदम आसानी से बॉम्बे आ जाएंगे, जो बकरे थकते तो थकेंगे भी नहीं। अभी 1600 किलोमीटर का जो सफर है ना, वो 1000 किलोमीटर में खत्म हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। और रोड ऐसा होगा, मतलब मैं दिखा देता हूँ, पूरा रोड ऐसा होगा, देखो गाड़ी एक सरी की चलेगी। ये डामर वाला है, उसको पूरा आरसीसी बनाया, मतलब उस पर फ्लाइट भी उतार सकते हैं। ये हुई ना बात। देखिए आप, ये अटल बिहारी सेतु ब्रिज है माशाल्लाह, और ये मुंबई और पनवेल उरन को जोड़ता है, जीएनपीटी से जोड़ता है। जो रास्ता हमारे लिए 1.5 घंटे का था, इसके वजह से 20 से 25 मिनट का हो गया है। टाइम भी बच रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, डीजल पेट्रोल बच रहा है, और सुकून और शांति से आदमी अपना सफ़र कवर कर रहा है। अभी हमारे अंजुम भाई का फ़ोन आ रहा है, क्योंकि मैं कल सूरत था, उन्होंने वीडियो देखा होगा तो वो अपनी नाराज़गी दर्ज करेंगे, मैं उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ। ब्रांड अगवान अंजुम भाई, साथ ही साथ आप व्यू भी देखें, बहुत ही प्यारा व्यू माशाल्लाह। बारिश का वक्त है, मुंबई के सभी जो एतराफ़ के पहाड़ हैं हरे हरे हो गए हैं। ये कौन से एरिया है ऐसे में? ये उल्वे, माजा नाम उल्वे। और आप देखेंगे ना तो हर जगह कैमरे लगे हैं, सिक्योरिटी और सेफ्टी का बहुत ध्यान दिया गया है। अब इतना बड़ा ब्रिज बना है तो थोड़ा बहुत लीकेज का प्रॉब्लम आया इस बारिश में, क्योंकि ये इसको बनाना कोई छोटी बात नहीं थी। आप देख सकते हो उल्वे बेलापुर के लिए यहाँ से उतर जाओ आप, उरन और पूना के लिए सीधा ही जान देना हमको। अटल सेतु से उतरते ही हमारी गाड़ी पंचर हो गई है, और हम पूना का एक्सप्रेस वे चढ़ने वाले थे, तो हमने सोचा क्योंकि घाट भी है लोनावाला के, उससे पहले इसको बना लिया जाए। हाँ मुस्तकिम भाई, बहुत बड़ा किला घुस गया था। ये देख लो किला, देख लो आप, ओ माशाल्लाह। तो टायर में डैमेज हो जाता है ना, तो अभी ये बस अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है काम, ये करते अभी हम लोग। हवा बहुत प्रेशर से निकल रही है, क्योंकि अच्छा खासा बड़ा होल हो गया। लगभग काम हो गया, अभी एक बार हवा चेक कर लेंगे वो, और सीधा हम एक्सप्रेस वे पर चढ़ जाएंगे। क्या बात है दोस्तों, तो सफ़र जारी है और हम लोग लोनावाला खंडाला के काफ़ी करीब हैं। मौसम भी अच्छा है, लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ पर एक हादसा भी हुआ, बहुत बुरा लगा सुन के, दुआ कीजिए आप लोग। उसी डैम में जो हादसा हुआ है, और अगर आप लोग भी घूमने जा रहे हो तो पूरा एहतियात बरतें इंशाल्लाह। क्या मंजर है देखें आप, पहाड़ का सीना चीर के ये रोड बनाया गया है, इससे ट्रैवल टाइम तो कम होता ही है
और काफ़ी आसानी हो जाती है। तो पूना में एंट्री हो चुकी है। अभी पूना में हम पहला जो वीडियो बनाएंगे वो हाजी सदफ साहब का बनाने वाले हैं। मिलिट्री स्टेशन भी आ चुका है यहाँ पर पूना के अंदर। मौसम भी काफ़ी अच्छा है पूना का आज। तो आइए चलते हैं और वीडियो शूट करेंगे हाजी सदफ साहब का। वीडियो बताओ।